कि किस प्रकार से फौजी नौजवान देश की रक्षा करने के लिए क्या क्या जोखिम अपने तन के ऊपर उठाते हैं। पीछे सर्जिकल स्ट्राइक हुई और किस प्रकार से उस घटना को अंजाम हमारे फौजी वीर सिपाहियों ने दिया। तो गौर से सुन लेना, कोई बच्चे बात मत करना बेटा आपस में, क्योंकि कुछ गीत होते हैं नाचने कूदने के, भंगड़ा के कुछ गीत होते हैं सुनने के, शिक्षा प्रद गीत होते हैं। वैसा ही गीत, एक जुनून पैदा करने वाला गीत आप लोगों के बीच में गा रहा हूं मैं। शत्रु आए शकत के गुमान से भरे हुए, जो उनकी सीमाओं में दम उनका निचोड़ दिया। भारतीय सैनिकों ने एलओसी क्रॉस करके मौत के तूफानों का भी देखो मुंह मोड़ दिया। शत्रु आए शकत के गुमान से भरे हुए, जो उनकी सीमाओं में दम उनका निचोड़ दिया। भारतीय सैनिकों ने एलओसी का रोष करके मौत के तूफानों का भी देखो मुंह मोड़ दिया। उग्रवादियों ने जो बनाए वाहनों चपैट खच्ची मिट्टी के घड़ों के जैसा देखो फोड़ दिया। भारत माँ के लाडलों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पीओके में जाके आतंकवादी अंडा तोड़ दिया। पीओके में जाके आतंकवादी अंडा तोड़ दिया। पीओके में जाके आतंकवादी अंडा तोड़ दिया। बदला उतार कर आए हमें, भारत का ये मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार कर आए हमें। उगा दिए ठिकाने हमने दहशत करते वाले सारे, चाहे सांस मौत से उधार लेके आए हम। चाहे सांस मौत से उधार लेके आए हम। चाहे सांस मौत से उधार लेके आए हमें। हमने दहशत गर्दी वाले सारे, चाहे सांस मौत से उधार लेके आए हम। कैप्टन बारा साहब आप लोगों के बीच में बैठे हैं, ये सांस जो है उनके लिए एग्जांपल है ये लाइन, कि चाहे सांस मौत से उधार लेके आए हम। क्या बता दिया अगली लाइन में, जय हो। दुश्मन को मार के कर्ज वो चुका दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे बीच सीने हम अड़ाते रहे, भारत माँ को एक पीना घाव लगने दिया। भारत माँ को एक पीना घाव लगने दिया। आप सब छोटे वाली मेज पे न जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। आप सब छोटे वाली मेज पे न जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। और अगला पैराग्राफ मैं गाना चाहूंगा, ये जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, ये हमारे भारत देश की जवानी जो मेरे सामने बैठे हैं, अल्लड़ बच्चे, ये कल को जवान होंगे। जैसे भी बताया गया है आर्मी में जाने के लिए आपको बताया गया है, बहुत से ऐसे बच्चों को पढ़ लिख के साथ डिफेंस में फोर्स में जाकर के देश की रक्षा करने का मौका मिलेगा। और इन बच्चों के बारे में बताऊंगा मैं, थोड़ी बहुत चूक भी हो सकती है बच्चों से, मम्मी डैडी भी डांटते हैं, टीचर्स भी डांटते हैं, निकम्मा है, डिफॉल्टर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस भारत माता को जिस टाइम पर बलिदान की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहली लाइन में और सबसे आगे वॉलंटियर खड़ा मिलेगा। ये बच्चा इतना डिफॉल्टर नहीं हो सकता। एक बार जोरदार ताली बजाओ। वेरी गुड। इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल, मस्त चित्त का निकाम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी, जो की है इन्होंने मनमानी काम आएगी। जब जब कश शिशु पाल के पड़ेंगे पाप, नट खट कृष्ण की कहानी काम आएगी। अरे देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो अल्लड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। अल्लड़ सी यही नौजवानी काम आएगी।
पाकिस्तान देश को, जिसकी वजह से हमें इतनी दिक्कत उठानी पड़ रही है, कोई मुकाबला ही नहीं है। कहां ये हमारा हिंदुस्तान और कहां वो पाकिस्तान। औकात याद दिलाऊंगा। और जब मैं यूट्यूब के ऊपर ये गाने डालता हूं, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट, प्यारे प्यारे कमेंट पाकिस्तान की तरफ से मेरे पास आते हैं। लेकिन आज फिर दिल्ली सेक्टर 6 डीएवी स्कूल के अंदर खड़ा होकर बोल रहा हूं मैं, और सामने कैमरा चला हुआ है, इसे भी यूट्यूब के ऊपर डालूंगा। और एक हिदायत देता हूं, बताता हूं कि तुम्हारी औकात क्या है पाकिस्तान वालों। गौर से सुन लेना बच्चों, अगर मेरी लाइन अच्छी लगे तो लाइन के बाद में ताड़ी जरूर बजाना, लाइन अच्छी ना लगे तो ताड़ी मत बजाना, क्योंकि आप बजाओगे लाइनों में जोश इतना है। तो क्या औकात है उस पाकिस्तान की, हिंदुस्तान के सामने मास्टर जी नोट दिखाइए। जितना है साल का बजट तेरा पाकिस्तान, उतने का हम यहां घास फूस लेते हैं। जितने का बम और गोला तेरे पास रखा, उतना दिवाली पे सिंगर फौजी करमवीर के नाम से चैनल चलता है मेरा, उस पर ढूंढ लेना, इसी नाम से स्कूल के नाम से डाल दूंगा, ठीक है। हाँ जी, एक और गाँव जी।